बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद, एक और नए वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं जी। आज की हमारी वीडियो इंटरनेट से रिलेटेड है, लेकिन आपको बैक साइड पे जो नज़र आ रहा है वो यहां पर एक सोलर सिस्टम लगा नज़र आ रहा है, ग्रोवाट का ये सिस्टम है जी। तो इसको ऑनलाइन करने के लिए आज हम यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करने आए हैं। ये यूनिट किसी और भाई ने लगाया है, लेकिन यहाँ पर इसको इंटरनेट हमने प्रोवाइड करना है। तो जहाँ पर भी जाते हैं तकरीबन हमारी ज़रूरत लोगों को पड़ती है इंटरनेट की, जिस तरह के ऑनलाइन वर्किंग कर रही हैं। इसके अलावा स्टडी बेस हो गई, गेमिंग के लिए हो गया, या आजकल जो फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, तो या सोलर सिस्टम लगा रहे हैं इसको ऑनलाइन करने के लिए, कैमराज लगाए हैं इसको ऑनलाइन करने के लिए। तो इस तरह से जो कह लें कि हमारी ज़रूरत इनको पड़ती रहती है, इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है। तो मैं यहाँ पर, ये गांव है, सिटी से तकरीबन कोई 4 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ। तो यहाँ पर PTCL है, लेकिन उसकी कवरेज खास नहीं है, आए दिन यहाँ पर केबल का टायर रहता है। तो यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ। तो यह सारा दूर दराज तक जो ये गांव है 52, तो यहाँ पर मैं आज सर्विस प्रोवाइड करने आया हूँ। और यहाँ पर ये ऊपर सोलर सिस्टम आप देख सकते हैं, सोलर जो लगा हुआ है, और यहाँ पर आज हमें इंटरनेट प्रोवाइड करना है। इनको 2 राउटर लगा कर देने हैं, वाईफाई राउटर, एक तो ऊपर यूनिट के पास लगना है इन्वर्टर के पास, और दूसरा जो वाईफाई राउटर है वो नीचे लगा कर देंगे, नीचे इन्होंने घर के लिए, जब वो इंटरनेट इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको इंटरनेट के बारे में बताते चले, इंटरनेट हमने इनका जो है वो ऑन करवा दिया है जी। 10 MB का इनका पैकेज प्लान है जी। यहाँ पर ऊपर एक टेंडा का राउटर लगा दिया है, जिससे हमने इनका जो इन्वर्टर है वो उसको ऑनलाइन करना है। तो ये एक और वाईफाई राउटर है, ये हम नीचे लगाएंगे नीचे वाले फ्लोर में। तो यहाँ पर इन्हें 4 बैटरीज जो है वो भी साथ अटैच करनी है इस इन्वर्टर के साथ, और साका की 4 बैटरीज ट्यूबलर जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो अभी इनके सिस्टम के बारे में बात करते हैं जी, कि इन्होंने सिस्टम जो है वो कौन सा लगाया है यहाँ पर। तो ग्रोवाट का जो इन्वर्टर है यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं जी, और 6 किलोवाट का इन्वर्टर है IP65, और वोल्टेज रेंज इसकी है जी 1000 वाट। और यहाँ पर इसका जो वाईफाई मॉड्यूल है वो हमने ऑनलाइन करना है जी, अपने इंटरनेट के साथ, आके मोबाइल के ऊपर कहीं से भी बैठ कर जो एक्सेस कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर है जी इनका DB बॉक्स। थोड़ी सी प्राइस भी आपके साथ मेंशन करते चलें, 3,50,000 का इनका ग्रोवाट का इन्वर्टर आया जी IP65। DB बॉक्स का इनका जो ख़र्चा आया है जी वो है जी 35,000 रुपया। तो बाकी जो बैटरी के प्राइसेस जो है वो अलग हैं। जो फ्रेम इन्होंने तैयार करवाया है जी ऊपर, वो भी आपको बताएंगे ऊपर लेके जाकर। तो यहाँ पर ग्रोवाट का इन्वर्टर यहाँ पर आप देख लें जी, 6 किलोवाट का जी, 1000 वोल्ट जो है वो इसकी वोल्टेज रेंज है जी। और इसके अलावा टोपोलॉजी जो इसका है, ट्रांसफार्मर लेस, वो इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है जी। और बाकी जो यहाँ पर आप इन्वर्टर जो चेक कर सकते हैं, IP65 ग्रोवाट एक ब्रांड है जी, और बड़े इन्वर्टर जो है वो भी इसकी ये तैयार करता है इंडस्ट्रियल एरिया के। तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर है जी। फिलहाल इनसे पूछा गया था कि इन्होंने नेट मीटरिंग करनी है, तो कहते हैं कि हमने नेट मीटरिंग नहीं करनी, सिर्फ अपने घर के इस्तेमाल के लिए हमने करना है। 2 इनके AC हैं जी, बाकी घर का नॉर्मल लोड है, तो वो इसके ऊपर उन्होंने रन करना है। मैं अभी आपको दिखाता चलूँ, तो शाम के 5 बजे का टाइम है जी, अभी जो जनरेशन आ रही है वो आपको दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम जो है वो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर शो हो रही है, और इसके अलावा तकरीबन जो है वो 850 वाट तक का लोड जो अभी सोलर से आ रहा है। अभी इनका जो सोलर पैनल इन्होंने लगाए हैं वो तकरीबन 14 सोलर पैनल अभी इन्होंने इंस्टॉल किए हैं इस सिस्टम के साथ। तो जो पैनल इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो LONGHYMO 7 के जो पैनल है वो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लिखा तो उनके ऊपर यही है, लेकिन खैर मैंने उनके ऊपर खैर ज़्यादा जो डिटेल के अंदर नहीं किया। तो अभी आपको छत के ऊपर लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाते चलें सोलर पैनल का स्ट्रक्चर, ये है जी इनका स्ट्रक्चर। तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर है ये दूसरा जो मैनुअली स्ट्रक्चर तैयार होता है वो इन्होंने बनवाया है, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो इनका खर्च आ चुका है वो 1,75,000 रुपये का आया है जी, इन्होंने जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनवाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। तो ये हमारा यूनिट है जी, लाइट बीम M5, जिसके साथ हमने इंटरनेट को यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो मैक्सिमम 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिस गांव में यहाँ पर हम इंटरनेट प्रोवाइड करने आए हैं। तो ये इनका सोलर सिस्टम है जी, और इस टोटल सोलर सिस्टम के ऊपर इनकी जो लागत आई है, खर्च आया है, वो आपको बताते चले। जो इनके सोलर पैनल आए हैं LONGHYMO 7 के, वो 4,60,000 रुपये के इनके सोलर पैनल आए हैं जी। इसके अलावा DB बॉक्स वायर वगैरह 35,000 रुपये, इसके अलावा इन्वर्टर जो है वो 3,50,000 रुपये का, और बाकी जो है वो
इनका स्टोल स्ट्रक्चर जो है वो सोलर का वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का है। तो टोटल जो इसके ऊपर जो बैटरी जो है वो बैटरी का खर्च जो है वो 2,20,000 रुपये है। बाकी इसका जो टोटल खर्च आया है इसके ऊपर वो 9,70,000 के राउंड बोर्ड जो है सिस्टम के ऊपर खर्च आ चुका है। अभी आप बात करें तो यहाँ पर जो है हम जो ये वाला राउटर है वाईफाई राउटर, ये हमने नीचे बेसमेंट के अंदर इनके लगाना है जी। ये काफ़ी बड़ा घर है इनका, तो वहाँ पर इस राउटर को लगा कर जो इनका फाइनली काम जो कंप्लीट कर देंगे। तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी सोलर प्लस इंटरनेट के बारे में। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।